हेलो एवरीवन, मैं शीतल बाकर स्टॉक ब्रोकर आने वाला। चलिए बात करते हैं काफ़ी सारे दिमाग में आपके चल रहे क्वेश्चंस के बारे में कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस एज अ मेरी बर्थ डेट के हिसाब से मुझे सूटेबल होता है। बहुत बार मैं काफ़ी सारे काउंसलिंग लेती हूँ तो यही सवाल आता है कि मुझे कुछ करना है बट मैं क्या करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे मेरे लिए कौन सा बिजनेस सूटेबल रहेगा, न्यूमरोलॉजिकली मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ, ये सारे सवाल आपके होते हैं। बट मेरा सवाल आपके लिए एक ही होता है कि आप क्या करना चाहते हो वो पहले आप मुझे बताइए। अगर वो सूटेबल है आपके लिए तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी, बट आपके माइंड में इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं वो भी करना चाहता हूँ, तो विच वन इज़ सूटेबल फॉर मी। तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि डिमांड किस चीज़ की है, आप आपके आजू बाजू एक चक्कर मार लीजिए। नहीं तो मैं सिंपल एक बता देती हूँ कि यहाँ पे आप मेरे सामने बैठे हो और यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें दिख रही है और उसमें आपको कितनी बिजनेस की आइडियाज आ रही है। दिस इज़ वे ऑफ काउंसलिंग कि मैं इस तरीके से उनके माइंड की चीज़ें निकाल लेती हूँ कि अब अगर आप मुझे पूछोगे मेरे माइंड में क्या चलता है, तो अगर सिंपल है ये मोबाइल है, जब मैं ये मोबाइल लेने जाती हूँ ना तब मैं इसे 10 तरीके से देखती हूँ कि एक तो हो गया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फिर मोबाइल के अंदर के पार्ट्स बनाने के लिए आप बिज़नेस कर सकते हो, क्योंकि एक चीज़ से तो मोबाइल नहीं बनेगा, लॉट्स ऑफ पार्ट्स जब मिलेंगे तब जाके मोबाइल बनेगा। फिर इसका ऊपर का कवर अलग से बनता है, वो एक अलग बिजनेस हो गया। फिर यहाँ पे आप सोच सकते हो कि और क्या क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीन गार्ड बन गया। फिर मोबाइल आप होलसेल में खरीद के रिटेलर को बेच सकते हो, मोबाइल आप पुराने मोबाइल भी आप बेच सकते हो। तो एक चीज़ अगर आपके साथ है तो उसमें 10 बिजनेस जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें से आपके लिए कौन सा सूटेबल है इसके लिए डेफिनेटली मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इसके लिए डेफिनेटली मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी आपके बर्थ डेट के हिसाब से कौन सा। मैं तो बहुत चलते चलते भी मैं बिजनेस फाइंड आउट कर लेती हूँ। पानी का बॉटल है, आप सिंपल एक बिस्लरी बॉटल आप खरीदते हो, आप बिस्लरी बॉटल के लिए 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये भी हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम दे देते हैं, डिपेंड्स ऑन वराइटीज़, कभी कभी हम लोग दे देते हैं या फिर टैक्सेस एंड अदर सारे चार्जेस मिला के हम लोग कभी कभी दे देते हैं। अब आपने सोचा है उस बॉटल में भी 10 बिजनेस छपे हुए हैं, कैसे? बॉटल का ढक्कन जो बनता है वो अलग से बनता है, बॉटल अलग से बनती है, फिर बॉटल में पानी भरने का बिजनेस अलग से है, वो बॉटल जो बनी हुई है वो होलसेल में खरीदो, वो रिटेलर को बेचो, वो एक बिजनेस अलग है। बॉटल ख़त्म होने के बाद लोग कचरे में फेंक देते हैं, तो वो सारे कचरे में से बॉटल आप जब उठाते हो वो स्क्रैप में बेचो, वो स्क्रैप में बेचने के बाद वो जो प्लास्टिक बनता है ना उसके भी ग्रैनुल्स बनते हैं। तो आप मुझे बताओ, एक सिंपल पानी के बॉटल में अगर 10 बिजनेस छुपे हैं तो आपके घर में ऐसी कितनी, मतलब 95% चीज़ें हैं जो बिजनेस रिलेटेड चलती है। तो यहाँ पे सर्विस बिजनेसेस हो गए, यहाँ पे हर वो चीज़, मतलब आज मुझे यहाँ पे ऐसे है कि मुझे बैठे बैठे सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो काफ़ी सारे बिजनेसेस आइडियाज़ आपके दिमाग में होते हैं, बस उसे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी आपको अप्लाई करना है तो न्यूमरोलॉजिकली मैं आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ। डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी आपके बर्थडे के हिसाब से आपको गाइड करती है कि दिस वन सूटेबल फॉर यू, बट आपके पास कुछ ऑप्शंस तो होने चाहिए। हर चीज़ अगर मैं सजेस्ट करूँगी आपको तो आपके दिमाग के आइडियाज़, आपकी क्रिएशंस कब बाहर निकलेगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एवरीवेयर मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बस आपके दिमाग में जो चल रहा है वो पहले आप मुझे बताइए। आपके नाम का स्पेलिंग सिग्नेचर तो वो आपको पता ही है, बिजनेस करने की आइडियाज़ आपके पास है, बस वो अप्लाई करने का जो कॉन्फिडेंस है ना वो न्यूमरोलॉजिकली डेफिनेटली मैं आपके साथ ग्रो करवा सकती हूँ, उतनी डेफिनेटली मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, आपको सजेशंस दे सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी बिजनेस आइडियाज़ मेरे पास भी होती है तो वो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। सो टिल देन गाइस, ज़्यादा मत सोचिए, जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में उसे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। टिल देन, बाय बाय।